वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पढ़ने का, दैट इज अबाउट सीलिएंट फ्लैजेला। पिछली क्लास में हमने देखा था अबाउट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स, और बेसल बॉडी का जो ट्रांसवर्स सेक्शन है वो हमने देखा था। आपको याद होगा तो उसमें जो अरेंजमेंट होती है वो होती है 9+0। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर, उसमें जो अरेंजमेंट है वो है 9+2। तो इसको समझने से पहले आप पिछला वाला वीडियो लेक्चर जो है उसको अच्छे से समझ लेना, फिर ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे सीलिया और फ्लैजेला होता क्या है। देखो, सीलिया और फ्लैजेला हम बात करें तो ये एक स्ट्रक्चर है जो एनिमल्स में, लोअर एनिमल्स में, हायर एनिमल्स में प्रेजेंट है, और ये हेल्प करता है मूवमेंट में या लोकोमोशन में। अब मूवमेंट और लोकोमोशन जो है वो दो डिफरेंट थिंग्स हैं। देखो, मूवमेंट, जब मूवमेंट हम उसको बोलते हैं जब कोई एक जगह पे खड़े होके अपने जैसे हाथ हिलाए, तो दैट इज मूवमेंट। और लोकोमोशन होता है कि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करे, उसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। अब यहाँ पे देखिए, सीलिया जो है वो मूवमेंट में हेल्प करता है और फ्लैजेला जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब देखिए लिखा क्या है, सीलिया और फ्लैजेला हैं क्या, दे आर फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट ऑकर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द सेल, के ऊपर ये होते हैं और जो किसमें हेल्प करते हैं, कोई भी मटेरियल को पास करना है, दैट इज पैसेज ऑफ मटेरियल, और लोकोमोशन में ये हेल्प करते हैं। सीलिया जो है वो थोड़े छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बट फ्लैजेला जो है वो लंबे होते हैं, और कुछ ही फ्लैजेला, कुछ एक, यानी 1, 2, 3, 4, इससे ज़्यादा नहीं, इतने फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और सीलिया जो होते हैं बहुत ज़्यादा, 100 ऑफ नंबर, इतना भी हो सकता है। अब देखिए, अब इसके पहले हम देख लेते हैं, एक्चुअली आपको डाउट नहीं रहेगा। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, ये युग्लिना का स्ट्रक्चर है, इसको युग्लिना बोलते हैं। और उसमें ये जो आपको ग्रीन कलर का लंबा सा दिख रहा है, दिस इज़ द फ्लैजेला। ठीक है, ये सिंगल हम बोलते हैं फ्लैजेलम को, और जब एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं फ्लैजेला। तो यहाँ पे सिंगल प्रेजेंट है, इसलिए इसको लेबल किया गया है फ्लैजेलम। तो यही है फ्लैजेला विच हेल्प इन लोकोमोशन। बाकी आपने लेबलिंग नहीं देखनी है, सिर्फ आपने ये देखना है ये वाला स्ट्रक्चर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प इन लोकोमोशन, दिस इज नोन एज फ्लैजेला। और यहाँ पे नीचे वाले डायग्राम में देखिए, ये आपको छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से पूरी बॉडी पे दिख रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं सीलिया। अब सीलिया किस में हेल्प करते हैं, कोई भी मूवमेंट हो उसमें ये हेल्प करते हैं। देखो, सीलिया जो है ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर भी, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं सीलिया, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हम अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, हम अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, तो वहाँ पर सीलिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए और क्या लिखा है, ऑकरेंस ऑफ सीलिया की बात करें तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है, हमारा जो श्वसन तंत्र जिससे हम सांस लेते हैं वहाँ पे ही प्रेजेंट होते हैं सीलिया छोटे छोटे, ताकि देखो जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं अंदर, तो उसके साथ कोई डस्ट पार्टिकल ना आ जाए, तो ये सीलिया क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं और डस्ट पार्टिकल्स को बाहर कर देते हैं। रेनल ट्यूब्यूल्स यानी किडनीज में, किडनीज की बात हो रही है यहाँ पे, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिलोपियन ट्यूब्यूल, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है, जब एग, जो ओवम बनता है हर 28 डेज के बाद, तो उसको अपनी पोजिशन पर पहुँचाने का काम जो है वो भी सीलिया करता है। तो देखो, अभी तक ये आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको जब आप वो वाले चैप्टर्स अभी आपने शुरू किया +1 का, तो अब जब आप सारे कवर कर लोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी +1 की, और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा +2 में, तब कवर कर लोगे, तब आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो, सीलिया जो है वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, एंड दे आर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, एंड दे आर प्रेजेंट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, किडनीज की बात करें, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फेलोपियन ट्यूब्यूल्स की बात करें, तो वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। अब फ्लैजेला कहाँ होता है, ये होता है स्पर्म्स में, गैमेट ऑफ सेवरल एल्गा एंड प्रिमिटिव फंजाई। स्पर्म क्या है, देखो स्पर्म भी मेल गैमेट ही होता है, जिसको हम शुक्राणु बोलते हैं, जो आपने पढ़ा होगा, पहले सुना होगा, ठीक है, उसमें भी, उसमें ये फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। अभी जो आपने डायग्राम देखी उसमें तो होता ही, उसमें तो है ही, उसमें दिखाने के लिए कि स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लेकिन उसके अलावा स्पर्म्स में, स्पर्म इज ए मेल गैमेट, बाकी जो गैमेट्स हैं बहुत सारे एल्गा के, और जो कुछ प्रिमिटिव तरह की फंजाई हैं उनमें ये प्रेजेंट
होता है जो कि किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। आगे देखिए, ये था सीलिया और फ्लैजिला को देखने के लिए, समझने के लिए। ये आपको डायग्राम कहीं और बनानी पड़ेगी, इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ आपको सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखने के लिए, यहाँ पे सिर्फ आप इसको देख लो जस्ट कि ये फ्लैजिलम यहाँ पे लेवल किया गया है तो फ्लैजिला कौन सा है, और सीलिया लेवल किया है तो सीलिया कैसा दिखता है। अब देखिए ट्रांसफर सेक्शन जो आपको पेपर में आएगा, ट्रांसफर सेक्शन इसका कैसा होता है। अब देखिए, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था वो आपने पढ़ा था ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल और बेसल बॉडी, उसमें जो अरेंजमेंट थी वो थी 9+0। अब यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो है 9+2। देखो अगर आप इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, या तो ये पढ़ लो पहले या तो वो वाला पढ़ लो, तो दोनों को एक साथ आपने पढ़ना है, फिर आपको वो जो कन्फ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम सीलिया फ्लैजिला का ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं, उसमें जो अरेंजमेंट है दैट इज 9+2, 9+2, और उसमें माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो दो हैं, ए और बी, उसमें तीन थे, ए बी और सी, इसमें ए और बी हैं। उसमें ए और सी लिंकर्स थे जो ए और सी को कनेक्ट करते हैं, इसमें ए और बी लिंकर्स हैं जो बी ए या ए बी को कनेक्ट करते हैं। इसमें भी रेडियल स्पोक हैं, ठीक है, और उसमें भी रेडियल स्पोक थी। इसमें जो रेडियल, जो पिछले वाले में रेडियल स्पोक थी वो सेंट्रल जो हब था उसको टच करती थी, और इसमें जो है वो टच नहीं करेगी। यहाँ पे एक नोब लाइक स्ट्रक्चर जो ये आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये वाले स्ट्रक्चर इस यहाँ से निकलेगी ए से, और यहाँ पे जो सेंटर में जाने से पहले ये क्या करेगी, एक जो ब्लैक कलर की आपको जो थिकनिंग दिख रही है वो एक नोब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करेगी। और सेंटर में देखिए, अगर आप पिछली वीडियो की बात करें तो वहाँ पे सेंट्रियोल था, तो वहाँ पे 0, 9+0, मतलब सेंटर में कुछ नहीं था, यहाँ पे है 9+2, तो यहाँ पे आपको 2 जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो दिख रहे हैं, और वो किससे जुड़े हैं, एक ब्रिज के साथ, ब्रिज से वो कनेक्टेड हैं, और उनको सराउंड किया गया है, एक उनको सराउंड किया है एक सेंट्रल शीथ ने। तो धीरे धीरे देखो आपको सारी लेवलिंग याद करनी है। सबसे पहले मेम्ब्रेन जो है कवरिंग प्रेजेंट है, उसमें नहीं थी, इसमें है। अब यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो है ए बी दो हैं, ठीक है, और जो पिछले वाले में थे वो तीन थे, ट्रिपलेट थे, उसमें ए बी सी थे, और इसमें 9 है, उसमें भी 9 थे, ठीक है, ये 1, 2, 3, 9 तक काउंट, ये सारे 9 है, पिछले वाले में 9 थे, लेकिन वहाँ पे ए बी सी थे, तीन थे, और यहाँ पे दो हैं, डबलेट की फॉर्म में ए और बी हैं। अब यहाँ पे देखिए, ए और बी जो हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन है, ए बी के साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इनको हम बोलते हैं ए बी लिंकर्स। पीछे ए सी के साथ ज्वाइन थे तो उनको हमने बोला था ए सी लिंकर्स। और रेडियल स्पोक जो ए से निकलती है, और जो पहले भी ए से निकली थी, बट यहाँ पे वो सेंटर में मिल गई थी, यहाँ पे सेंटर में नहीं मिली, यहाँ पे वो पहले क्या बनाएगी, एक नोव लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाएगी। अब और इसमें देखिए, और इसमें जो सेंटर में दो हैं, C1 और C2, ठीक है, ये वाले जो सेंटर में बनाए हैं C1 एंड C2 माइक्रोट्यूब्यूल, और ये किससे जुड़े हैं, एक ब्रिज से जुड़े हैं, और फर्दर किससे कवर है पूरे ये दोनों, सेंट्रल शीथ से कवर है। ये सारी लेबलिंग आपको इस तरह से याद करनी पड़ेगी। और ए में दो आर्म्स हैं, ये जो ए वाला जो है, ठीक है, ए वाला जो ए वाला है उसमें दो आर्म्स हैं, एक इनर आर्म और दूसरी आउटर आर्म, ठीक है, आउटर आर्म और इनर आर्म। डाइनिन ये प्रोटीन की बनी है इसलिए डाइनिन लिख दिया, आप जब लेबलिंग करेंगे तो आप सिंपली आउटर आर्म और इनर आर्म भी लिख सकते हैं। और इसमें देखिए, जो दो आर्म्स होगी, माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, और यहाँ पे चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या लिखा है इसके बारे में। और देखो, दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जो आपने देखा है वही लिखना है, दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पिछले वाले कवर नहीं है, हम कंपैरिजन में पढ़ते हैं, तब आपको जो है वो कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। आपने डायग्राम की प्रैक्टिस पहले करनी है, और जब लास्ट बार आप रिवाइज करेंगे तो आप इसको, जब आपको ये पूरे कंफर्म हो जाएगा हाँ जी हम डायग्राम बना सकते हैं, तो अब जब आपने रिवाइज करना है तो आपने कंपैरिजन ही देखना है दोनों का, ताकि पेपर में आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए, सीलिया और फ्लैजिला 11 फाइब्रिल्स हैं, कौन कौन से, 9 डबलेट, ठीक है, 9 बाहर और 2 जो हैं वो अंदर, इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। और डबलेट फाइब्रिल जो है वो ए और बी माइक्रोट्यूब्यूल का बना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। सब फाइबर, अब देखिए ये रह गया था, सब फाइबर ए जो है उसमें, जैसे देखिए ये ए है आपने बनाया, ये बी बनाया, ठीक है, देखो जो ए है वो थोड़ा सा नैरो होता है, ठीक
है, थोड़ा सा कम उसकी जो विड्थ है वो कम होगी, और इसकी ये जो बी वाला है वो ब्रॉडर होगा थोड़ा सा, लेकिन दोनों में 13 और 13 प्रोटोफिलामेंट्स होंगे, 13 और 13। और जो C1 और C2 है वो सेंटर में जो हमने बनाए उसमें भी 13 और 13 प्रोटोफिलामेंट्स होंगे। अब प्रोटोफिलामेंट जो इसके अंदर फिलामेंट्स, ठीक है, ये एक पूरा हो गया। अब इसके अंदर जो जिनके जितने फिलामेंट्स का वो बनाए देट आर 13 नंबर, और यहाँ पे 2 या 3 जो हैं वो बी और ए जो हैं एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ये अटैच है ना, अटैच बनाए हैं आपने, तो इसमें 2 या 3 जो हैं वो बी जो है वो ए के साथ शेयर करेगा, और ए थोड़ा सा नैरो है और बी थोड़ा सा ब्रॉडर है, ये लिखा है 13 13 नंबर आपको सारा याद रखना है इसमें। अब देखिए क्या लिखा है, सब फाइबर ए स्लाइटली नैरो बट हैव 13 प्रोटोफिलामेंट, सब फाइबर बी स्लाइटली ब्रॉडर एंड शेयर 2 to 3 प्रोटोफिलामेंट्स विद द ए सब फाइबर। या आप इतना भी लिखोगे ब्रॉडर तक तब भी ठीक होगा इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है ए सब फाइबर के पास 2 आर्म्स हैं, ठीक है, अभी पढ़ा आउटर एंड इनर, और टू बेंट आर्म्स, आउटर आर्म और आउटर आर्म जो है उसके वो हुक लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से हुक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बियर करती है, दोनों ही ए के ऊपर है, इनर आर्म भी और आउटर आर्म जो है वो दोनों ही ए माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर है। अब देखिए 2 फाइब्रिल्स जो है वो लाई इन द सेंटर C1 एंड C2 एंड कम्पोज ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट, जो सेंटर वाले हैं वो भी 13 के ही बने हैं, तो कंफ्यूजन नहीं है इसमें, नंबर ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ पिछले वाले में ABC थे ना, तो उसमें 13 10 और 10 थे, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। अब देखिए 2 सेंट्रल सिंगलेट फाइब्रिल्स आर कनेक्टेड बाई ए डबल ब्रिज, जो सेंटर वाले हैं वो डबल ब्रिज से कनेक्टेड है, और वो किससे कवर है, एक स्पेशल कवरिंग से कवर है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल शीथ। अब रेडियल स्पोक जो है वो कहाँ से राइज हुए, सब फाइबर ए से, और वो कहाँ की तरफ, सेंटर की तरफ चले, लेकिन वो वहाँ पे नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, नियर नॉब लाइक हेड नियर द सेंट्रल शीथ पे, नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो थिकनिंग थी ना, दैट दैट इज द नॉब लाइक स्ट्रक्चर। अब आगे देखिए इसमें आगे क्या लिखा है, लास्ट लाइन, अब एक्सटेंड डबलेट फाइब्रिल जो है वो किससे कनेक्टेड है, बी ए लिंकर से, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हो गया एक, एक अगला यहाँ पे हो गया, तो इसके बीच में जो कनेक्शन है, तो मान लो ये ए है ये बी है, तो फिर ये ए आ जाएगा ये बी आ जाएगा, तो ए बी ये जो लिंक जो लिंक है बीच में, इसी को हम बोलते हैं बी ए लिंकर्स। ये थी लास्ट लाइन। अब लास्ट में देखिए, देखो इसमें प्रोटीन के नाम लिखे हैं, अगर आप बीच में लिखना चाहें तो बीच में, लेकिन साइड में मैंने लिख दी है, याद रह जाए आपको। देखो जो आर्म्स हैं, आउटर आर्म्स और इनर आर्म्स अभी पढ़ी, और जो रेडियल स्पोक हैं वो किसके बने हैं, कौन से प्रोटीन के बने हैं, डायनिन प्रोटीन के, और जो बी ए लिंकर सभी हमने पढ़े वो किसके बने हैं, नेक्सिन प्रोटीन के। इसलिए लेबलिंग में देखो इनर इनर डायनिन आर्म लिखा है ना, और आउटर डायनिन आर्म, या आप वहाँ पे इनर आर्म और आउटर आर्म सिंपली भी लिख सकते हैं, और वहाँ लास्ट में आप मेंशन कर दो, या कहीं बीच में लिख लो, या 1 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं आ जाए कि आर्म्स कौन से प्रोटीन की बनी होती हैं, तो डायनिन प्रोटीन की, रेडियल स्पोक कौन से प्रोटीन के बने होते हैं, डायनिन प्रोटीन के, और बी ए लिंकर्स किसके बने होते हैं, नेक्सिन प्रोटीन के, ठीक है। और फंक्शन तो आपको पता ही है, दैट सीलिया एंड फ्लैजिला हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, सीलिया की बात करें तो मूवमेंट में, और फ्लैजिला की बात करें तो वो लोकोमोशन में, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। अब देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या याद करना है, सीलिया और फ्लैजिला, देखो इसकी स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए आपको, कहाँ प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये बार बार आगे रिपीट होता रहेगा, जब आप बहुत सारी अमीबा की जैसे पैरामीशियम युगलीना ये डायग्राम्स आपने बनानी है, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर रिपीट होता रहेगा। स्पॉर्म की डायग्राम आप बनाएंगे तब वहाँ पे स्ट्रक्चर आएगा, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब वहाँ पे स्ट्रक्चर आएगा, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इतना कि कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये आप किसी और यूनिट में बनाएंगे, यहाँ पे सिर्फ ये बताने के लिए था कि फ्लैजिला कैसा होता है और सीलिया कैसा होता है। और जो पेपर में इस यूनिट से जो आएगा वो आएगा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सीलिया और फ्लैजिला का, ठीक है। अब इसके फंक्शन थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन इसका देखें तो दोनों का सेम है, दैट इज ऑफ 9+2 अरेंजमेंट। पीछे पड़ा था सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी, वो था 9+0 अरेंजमेंट, ये 9+2। तो इसमें आप दोनों को देखो एक साथ पहले पढ़ लो, फिर दोनों में जितने भी डिफरेंस है उनको रिवाइज करते रहो, आपको कोई भी कंफ्यूजन, श्योर है आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। 9+2 तो ए बी जो है इसमें फाइब्रिल है, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, पिछला क्लियर है, तो ये भी आपको क्लियर है। ओके, थैंक यू क्लास।